पीपल, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज एक्चुअली हम लोग का आटा खत्म हो गया है, तो हमने सोचा चलो अब इस बहाने सारा मंथली जो हमारी इंडियन ग्रोसरी होती है वो लेके आ जाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं इंडियन ग्रोसरी लेने के लिए। सो दिस कम्स फर्स्ट, जब भी आप बाहर जा रहे हैं ऑब्वियसली अपने मास्क पहन के जाइए, अपने ग्लव्स पहन के जाइए, डोंट टेक दीज थिंग्स वेरी लाइटली। सो आई एम जस्ट पैकिंग माई सेल्फ अप। एंड यहाँ पे वॉलमार्ट जैसा नहीं है, जैसे वॉलमार्ट में हमारे पिकअप ऑप्शन अवेलेबल था, बट इंडियन स्टोर में वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो हमें अंदर जाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे वी हैव टू बी मोर कॉशियस। एंड आवर लिस्ट इज ऑल्सो रेडी सो दैट आई डोंट फॉरगेट एंड आई डोंट कीप ऑन वैंडरिंग अराउंड, बिकॉज हम वहाँ पे कम से कम टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो इसलिए आई हैव केप्ट माई लिस्ट हैंडी सो दैट जस्ट जाएँ, सामान उठाएं, वापस आ जाएँ। सो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि US में इंडियन स्टोर्स कैसी होती हैं एंड हम वहाँ से क्या क्या ले सकते हैं। और आज का मौसम भी बहुत अच्छा है। आई विश ये वायरस नहीं होता तो हम लोग घूम पाते। ये देखिए बाहर इट्स सनी, इट्स ब्यूटीफुल लेक, इट्स ब्यूटीफुल फॉल कलर्स, सॉरी स्प्रिंग कलर्स, क्योंकि अभी स्प्रिंग है एंड हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे। बट नो प्रॉब्लम, स्टे इनसाइड एंड स्टे सेफ। Oh,
हमारे अगले 6 महीने इंडियन ग्रोसरी से हमारा काम चल जाएगा. बिकॉज हम बार बार ऐसी जगह नहीं आना चाहते, इसलिए हम एक साथ बल्क में लेते हैं सामान. सो हेलो पीपल, वेलकम अगेन. सो आपने देखा होगा हम जो इंडियन ग्रोसरी से सामान लाए थे तो इसको हमने ओवरनाइट रखा है, फिर सबको वाइप किया है हमने. एंड जो ड्राई आइटम्स है मैं उसको अगेन साइड पे रखूंगी, और जो थोड़ी वेजिटेबल्स हैं उसको वॉश करके ड्राई करके देन वो फ्रिज में जाएंगे. सो मैं सोचा मैं आप लोग को दिखा देती. तो आप लोग देख सकते हैं, मतलब ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो यहाँ पे नहीं मिलती है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी दीज आर करी पत्ता एंड व्हाट एल्स, बॉर्नविटा आपको दिख रहा होगा, मैगी दिख रहा होगा, चायपत्ती दिख रही होगी. एंड द मोस्ट स्पेशल थिंग, ये जो पानी पूरी की पूरियाँ बनती है ना, उसकी ये सूखी सूखी पापड़ी है, मतलब आप उसको फ्राई करेंगे तो वो पानी पूरी की तरह फूल जाएगी. ये भी हमें मिल गया. एंड व्हाट एल्स, छोले, एवरीथिंग, बड़ी इलायची. एंड आप देखेंगे सब्जी में लौकी है. एंड आई इवन गॉट केसर, एंड दिस वॉज फॉर लाइक $9. सो 9 × 70 = 630 rupees का हमें, नॉट 630, अभी आजकल 75 है $1. सो इट्स अराउंड यू नो 700 rupees में केसर भी मिल गया है. And we've got this makhana, mustard oil, everything. And ये देखिए इसमें हमें मेथी भी मिली है. This is नारियल. इसमें हमने आटा भी लिया है, चावल भी लिया है. तो ये जो हमारा टोटल था दिस वॉज अराउंड $450. सो 450 × 75 अराउंड ये 34,000 का सामान है. बट देन दिस इज लाइक गुड फॉर अनदर 5 to 6 months. बिकॉज हम दो ही लोग हैं तो थोड़ी थोड़ी दाल, थोड़ी थोड़ी यू नो जो भी चीज़ें बहुत थोड़ा लगता है. तो दिस वी आर गुड फॉर लाइक अनदर लाइक 5 to 6 months. एंड हम लोग अंदर जाना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं. सो हमारा मोटिव था कि जितना हो सकता है कि एक बार में ले लें. बिकॉज जैसे आपने देखा होगा मेरा वॉलमार्ट ग्रोसरी वाला, तो वहाँ पर हम पिकअप करते हैं. वी आर ट्राइंग टू अवॉइड गोइंग इनसाइड ऑल दिस प्लेसेस एज मच एज वी कैन. तो पता है तुम्हें, वो इंडिया में सब्जी बेचने वाले होते हैं ना, वैसे लग रहे हो अभी. दस का एक लौकी, 10 की 2, 5 की 2. एंड ये देखिए अरबी भी मैं लाई हूँ, एंड छोटे वाले बैंगन भी मिले हैं. मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स वर क्यूरियस कि यहाँ क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है. सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस व्लॉग. तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो मतलब मुझे आज तक नहीं मिली हो. आई हैव गॉट ईच एंड एवरीथिंग. फ्रैम चिप्स वगैरह, देन सूखा नारियल, चटनी वाला नारियल, एवरीथिंग. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू अ जस्ट ऑफ हाउ इंडियन ग्रोसरीज आर इन US. आई होप यू गाइस लाइक दिस व्लॉग. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ.